दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र निर्माण अभियान के लिए शहर के नागरिकों से 9871010101 पर मिस कॉल देने की अपील की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। आम आदमी पार्टी की सीधी भिड़ंत बीजेपी से थी। इस चुनाव में बीजेपी को मात्र 8 सीटों पर समाधान मिला। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली के नागरिकों के लिए मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त यात्राएं करवा दी थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने विकास कामों को लेकर जनता तक पहुँचे थे। लोगों ने भारी भरकम बहुमतों से अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। आम आदमी पार्टी के कार्यों की प्रणाली नागपुर में भी सभी को अच्छी लग रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभियान शुरू है। 9871010101 पर मिस कॉल देने की अपील पत्र परिषद में दी गई। जाती धर्म की राजनीति करून चालणार नाही, तर विकासाची राजनीति केल्याशिवाय दुसरा पर्याय कोणताच नाही हे दिल्लीच्या जनतेने दाखवून दिलं। आणि मागच्या वेळेस 67 सीट दिल्या होत्या, यावेळेस पुन्हा 62 सीट वर विजय देऊन संपूर्ण देशाला कामाचं राजकारण करा, विकासाचं राजकारण करा, जाती धर्माचं राजकारण करू नका असा एक चांगला संदेश दिल्लीच्या जनतेने दिला आहे। आणि हा संदेश आता संपूर्ण देशात देण्यासाठी आम आदमी पार्टीने राष्ट्रव्यापी आंदोलन सुरू केलं आहे। राष्ट्र निर्मिती करता आम आदमी पार्टी हे या अभियानाचं नाव आहे। आणि संपूर्ण देशामध्ये 23 फेब्रुवारी, कालची 23 फेब्रुवारी होती, 23 फेब्रुवारी ते 23 मार्चपर्यंत मिस कॉल अभियान चालवण्यात येणार आहे। नागपूर में आम आदमी पार्टी के साथ जनता बड़ी संख्या में जुड़ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।